हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है केमिस ऑप्शन। केमिस ऑप्शन कैसे क्या होता है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इन्वॉल्व द वीक अट्रैक्शन इंट्रैक्शन बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट। ये वीक इंट्रैक्शन होता है एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अगर ऑक्सीजन टंगस्टन पर, ऑक्सीजन अगर कैरी करता है टंगस्टन पर, तो ये बहुत स्ट्रांगली इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि ये पूरी तरीका से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है, और जबकि ऑक्सीजन इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे एक बहुत सारा रिवर्सेबल प्रोसेस है, बट ये इरिवर्सेबल प्रोसेस है। ऑक्सीजन टंगस्टन के पास जाता तो है, लेकिन टंगस्टन से रिलीज नहीं हो पाता है। ये एक अलग ही तरह का ऑक्साइड बनाता है, जिसके वजह से ये टंगस्टन उसको पूरी तरीका से एब्जॉर्ब कर लेता है और कभी भी रिलीज नहीं करता है। तो ये बिल्कुल भी, ये स्ट्रांगली होता है, इसके वजह से ये जो पॉइंट दिया गया वीक अट्रैक्टिव, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन है इट इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इन नेचर, तो ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जब टंगस्टन के पास गया तो वो अट्रैक्ट हुआ, लेकिन टंगस्टन से ऑक्सीजन वापस रिमूव नहीं हुआ, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो ये बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन सी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज होने पर, क्योंकि टंगस्टन को जब हम लोग हीट करते हैं, टंगस्टन खास करके इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जिसके वजह से जब इसको हीट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन इससे रिलीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसके लिए रॉन्ग है कि डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और आखिरी है इन्वॉल्व मल्टीलेयर फॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट ऑन एब्जॉर्बेट, और इसका बहुत सारा लेयर भी नहीं चढ़ता, जैसे टंगस्टन के ऊपर ऑक्सीजन का बहुत सारा लेयर भी नहीं चढ़ता, जिसकी वजह से उसका एक लेयर बन जाएगा टंगस्टन पर, और टंगस्टन का प्रॉपर्टी थोड़ा लूज होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो एक्चुअली टंगस्टन के ऊपर तो चढ़ता है, लेकिन वो उसमें पूरी तरीका से इन्वॉल्व हो जाता है, लेयर बिल्कुल भी नहीं बनाता। तो ऑप्शन डी भी जो है वो रॉन्ग है। तो केमिसॉर्प्शन के लिए जो सही यहाँ पर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, इट इज अ इरिवर्सिबल इन नेचर। आई होप ये आपको समझ में आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।